हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, ऐसे लोगों के लिए जो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसको अपनी कार के अंदर साउंड क्वालिटी वगैरह मस्त चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जो डेलकेट कंपनी के थे, लेकिन वो जो कार स्टोरी थे वो सिंगल डिन थे और उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है। तो मैं एक नया कार स्टोरियो जो है डेलकेट कंपनी का ही, तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप इसको अगर खरीदना चाहें तो आपको आसानी हो इसकी सेटिंग करने के अंदर, क्या क्या खास बातें हैं, कैसा है, सारी चीज़ें आपके पहले सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है बॉक्स, इस तरीके से हमको इसकी पैकेजिंग मिली है। तो चलिए जल्दी से पहले मैं इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स हमको इसका मिल जाता है। आप इसके बॉक्स के ऊपर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की गई है। तो ये जो कार स्टीरियो का जो मॉडल नंबर है ये है DCF200X और ये डबल डीन कार स्टीरियो है। सामने बहुत सारे फीचर्स इसके ऑलरेडी यहाँ बताए गए हैं और इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, लेकिन चलिए जल्दी से हम इसको अब कैमरे के थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स पे क्या क्या है। इसको हम खोल के देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सब मिल जाती है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट है delkatelectronics.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो आप अमेजोन के ऊपर जाकर भी इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इसकी फिर अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, क्या क्या सब चीज़ें हमको मिली है इसको हम टेस्ट भी करेंगे, इसको शुरू करके देखेंगे लाइटिंग वगैरह सब कैसी है, सब चीज़ें ओवरऑल इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का फोटो यहाँ पर आपको सामने को देखने को मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आ गया है F200X। नीचे आप देखें तो बहुत सारी मेन चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जैसे इसमें USB इनपुट है, SD कार्ड इनपुट है, इसके अंदर ऑक्स केबल इनपुट है, इसके अंदर FM रेडियो है, फ़ोन चार्जिंग आप कर सकते हैं, ID3 टैग इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऊपर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी यहाँ पर लिखी गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 220 वॉट हाई पावर स्टेरियो है ये और यूनिवर्सल फिट है, ये कहीं पर भी फिट हो जाएगा। डबल डीन है, MP3 कार स्टेरियो है विथ हेडसेट, फ्री कॉलिंग आप इस पर कर सकते हैं, ब्लूटूथ इसके अंदर है, USB इनपुट है, USB इनपुट ये है, FM रेडियो आपके ऑक्स इनपुट इसमें, SD कार्ड स्लॉट इसके अंदर दिया गया है, रिमोट कंट्रोल साथ में, 7-कलर LCD डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें बेस ट्रबल और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं ओपन करने के बाद इसके अंदर से हमको क्या क्या मिल जाता है। तो इस तरीके से हम जब ओपन करते हैं तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। पैकेजिंग जब जैसे हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कंपनी की तरफ से थैंक यू कार्ड मिल जाता है और थैंक यू कार्ड के पीछे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब दिए गए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइड में रख देते हैं इसको। अब इसमें एक बैग हमको छोटा सा मिला है, कैरी बैग, इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर यूज़र मैनुअल इसके अंदर मिला है। इसके बाद में जो है तो कुछ आप जो कार के अंदर फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर इसके हुक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दो, और इधर साइड में हम देखें तो रिमोट इसके अंदर मिल रहा है। ये हमारा मेन यूनिट, इसको जब हम निकालते हैं तो जिसको निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोम लगे हुए थे इसको, ये फोम दोनों हम निकाल लेते हैं। मेन यूनिट को अभी साइड में रख देता हूँ मैं। और बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले ऑक्स केबल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको दे रही है साथ में। इसके बाद ये पावर केबल इसका है और इसके साथ में ये आपका स्पीकर केबल है, इसमें आप 4 स्पीकर लगा सकते हैं, ठीक है। बॉक्स के अंदर देखें तो और अब इसमें कुछ नहीं है, तो बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। चलिए अब एक एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये मिला है, फ्रेंड सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल इसके अंदर मिल जाता है। यूज़र मैनुअल से आप जो है तो इसको सारा समझ सकते हैं, कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, वायरिंग वगैरह कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। इधर साइड में हम देखें तो आपको दो हुक इसके अंदर मिल रहे हैं, ये दोनों हुक जो है तो आप इसको अपनी कार के अंदर फिट करने में आपकी मदद करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप देख रहे हैं कि आपको रिमोट इसके अंदर मिल रहा है, बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही छोटा है, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-3.5 इंच का इसका साइज़ है। प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है और पीछे आप इसकी बैटरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैटरी यानी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें आपको सारे कंट्रोल लगभग ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप इसको टच नहीं भी करें तो आप पूरी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन के यहाँ पर मिल रहे हैं, बैंड्स आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं, उसके बाद में म्यूट ऑप्शन आपको इसमें, रिवर्स फॉरवर्ड आपको इसमें मिल रहा है, मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, क्लॉक आप यहाँ से, इक्विलाइजर आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, कॉल आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और प्ले पॉज भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी लगभग सारी चीज़ें आपको रिमोट के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, 3 केबल आपको साथ में मिल गए, वो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड हम बात करेंगे हमारे मेन प्रोडक्ट की। जब हमारा मेन प्रोडक्ट देखते हैं तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। बाहर जब हम इसको निकालते हैं
बाहर निकालने पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी खूबसूरत ये प्रोडक्ट देखने में है, और सारा इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, प्लास्टिक इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ताकि इसको स्क्रैच वगैरह कुछ ना लगे। तो इस तरीके से चलिए इसके एक एक सारी चीज़ें हम सामने से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट सामने से इस तरीके से दिखता है। तो जब हम इसकी देखिए, मैंने प्लास्टिक यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ, काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है दिखने के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा LCD स्क्रीन आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक एक करके हम इसके पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि इसकी जो ऐसी साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो ये 7 इंच की है, और ऐसी जो साइज़ आपको खड़ी नज़र आ रही है ये 4 इंच की है, और अगर आप इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के साइज़ देखेंगे तो ये साइज़ इसकी 5 इंच की है। ठीक है, तो ये आपको साइज़ इसलिए बताया मैंने ताकि आप आपकी कार के अंदर आसानी से इसको फिट कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये है पावर बटन, यहाँ से हम इसको पावर ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाजू में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए आपको मिल जाता है, आप आपके हिसाब से मोड चेंज कर सकते हैं, FM पे रख सकते हैं, ऑक्स के ऊपर रख सकते हैं, ब्लूटूथ के ऊपर ले सकते हैं, तो यहाँ से आप मोड इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे तो आप रिवर्स और फॉरवर्ड यहाँ से करेंगे, यानी रिवर्स करना है तो ये बटन यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड आप ये बटन यूज़ करेंगे। आप इससे कॉल रिसीव भी कर सकते हैं दोनों बटन से, और कॉल आप जो है तो आपको अगर काटना है तो आप इससे कर सकते हैं, यानी ये दो बटन रिवर्स फॉरवर्ड और कॉल रिसीव और कॉल रखने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ऊपर साइड में आप देखें, सबसे पहले तो आपको एक बार एक सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा, ये माइक का है। जब आप ब्लूटूथ यूज़ करेंगे, आप कॉल वगैरह करेंगे तो ये माइक का, माइक्रोफोन का आप इस्तेमाल करेंगे बातचीत करने के लिए। नीचे आप देखो तो यहाँ पर आपको प्ले और पॉज का बटन यहाँ पर मिल जाता है, उसके नीचे आपको इंट्रोडक्शन का बटन मिल रहा है, उसके नीचे आपको तीसरे नंबर पर जो है तो रिपीट का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप बारीक इसमें एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये रीसेट के लिए दिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SD आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर रबर का लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका SD कार्ड आप यहाँ पर लगा के सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितनी अच्छी सेफ्टी दी गई है ताकि आपके इसमें धूल ना जाए या कोई चीज़ इसमें अटक ना जाए, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है SD कार्ड के लिए, मेमोरी कार्ड के लिए जो स्लॉट होता है, तो यहाँ पर इसका ख्याल रखा गया है। आपको यहाँ पर एक पट्टी दी गई है जिसकी वजह से ये सेफ रहेगा, इसमें धूल वगैरह जाने के इम्कान नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके आगे आपको मोड पावर वगैरह हमने इसके अंदर जो इधर साइड का सारा इसका जो पैनल है वो देख लिए। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक मल्टी फंक्शन वॉल्यूम नॉब यहाँ पर दिख रहा है, यानी एक रिंग है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो इसको जब हम शुरू करेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। इधर साइड में फ्रेंड आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको IR नज़र आ रहा है, तो ये आपके रिमोट का सेंसर है जहाँ से आपका रिमोट इससे कनेक्ट होगा। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंडम के लिए बटन आपको मिल जा रहा है। पांचवें नंबर पे आप देखें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि -10 यहाँ पर लिखा गया है, यानी आप 10 गाने पीछे जा सकते हैं एक बार दबाने से। नीचे देखेंगे आप तो 6 नंबर के बटन के ऊपर +10 दिया गया, यानी एक बार दबाएंगे आप तो 10 गाने इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। उसके नीचे आप देखें तो आपको ऑक्स केबल का यहाँ पर जैक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कोई मोबाइल वगैरह इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर USB आपको मिल रहा है, तो USB को भी यहाँ पर सिलिकॉन से जो है तो पैक किया गया है, जिससे धूल वगैरह इसमें कोई चीज़ ना जाए, तो यहाँ से इसकी सेफ्टी हो जाती है। तो यहाँ पर आप USB लगा के आपके सॉन्ग वगैरह सारे यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। सामने आपको व्हाइट कलर के यहाँ पर बटन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि CLK लिखा हुआ है, तो ये क्लॉक का है, आप यहाँ से इसको प्रेस करके टाइम देख सकते हैं। उसके बाजू में बैंड और AMS का बटन आपको मिल जाता है। नीचे साइड में आप देखें तो म्यूट का बटन यहाँ पर मिल रहा है, और उसके बाजू में TR है, तो आप इसके स्क्रीन के कलर वगैरह इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। ऊपर साइड में आप देखें तो यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है डलकेट की, उसके साइड में आपका मॉडल नंबर, और सबसे बड़ा बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पर LCD स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड में आप देखें यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कफलर है जिसके ऊपर जिसकी वजह से आप इसको अपनी कार के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, ऊपर आपको वायरिंग वगैरह सब कैसे करना है तो यहाँ पर एक डायग्राम देखने को मिल जाता है। वारंटी सील आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीछे साइड में आप साइड में देखें तो यहाँ पर इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, और सबसे पीछे आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सारी चीज़ें हैं तो ये पीछे भी है, तो देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पावर इंटरफेस यहाँ पर मिल जाता है, यानी पावर केबल आप आपका यहाँ पर लगाएंगे, उसके ऊपर आपके स्पीकर का केबल यहाँ पर लगेगा, उसके बाद आपको जो एम्पलीफायर वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये लेफ्ट राइट यहाँ पर दिए गए। इधर साइड में आपको होल नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप एंटीना यहाँ पर लगा सकते हैं FM के लिए, उसकी क्लियरिटी वगैरह आपकी बढ़ जाएंगी। इधर आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रेड कलर में यहाँ पर नीचे नज़र आ रही होंगी एक, तो ये फ्यूज़ है इसका, और ये उसका काम यह है कि अगर इसमें ज़्यादा पावर इसको मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट अंदर की वायरिंग वगैरह ना होकर सिर्फ ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर सिर्फ मार्केट से फ्यूज़ ला के यहाँ पर फ्यूज़ लगा देना है। ये फ्यूज़ आपका जो स्टेरियो है उसकी हिफाजत करेगा पूरी तरीके से, जो शॉर्ट सर्किट है वगैरह या फिर ज़्यादा पावर की वजह से ये
आपके जो स्टेरियो को बचा के रखेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि ये पीछे से कैसे दिखता है, सामने के सारे फंक्शन भी हमने इसके देख लिए। अब हम इसको क्या करते हैं कि पावर देते हैं और इसका लुक कैसे आता है, यहाँ पर जो मल्टी फंक्शन रिंग यहाँ पर दी गई है, जो नॉब है इसका क्या क्या काम है, और जो वाइट कलर में आपको चीज़ें सारी नज़र आ रही है तो इसके अंदर सब अंदर लाइट्स है, तो इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है अंधेरे के अंदर ख़ास तौर से, या नाइट में आप कार चला रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली है, चलिए जल्दी से इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको पावर दे दिया है। अब देखिए यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ, ये पावर बटन है, जब मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वेलकम करके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर FM अभी शुरू है। पहले मैं कलर सेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर TR ऑप्शन है, यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहे हैं इसके। इसके अंदर 7 कलर है तो हम यहाँ से कलर चेंज इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कलर पे सेट कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो वॉल्यूम यहाँ से आप कर सकते हैं, इसके जरिए हम डाउन भी कर सकते हैं। प्रेस करने पे आपको यहाँ पर बेस मिल जाता है, बेस को आप फुल कर सकते हैं या उसको डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद और क्लिक करने पे आपको ट्रेबल इसमें मिल जाता है, तो इसको ज़्यादा कम ज़्यादा आप यहाँ से इसके कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करें तो बैलेंस मिल जाता है आपको, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड के स्पीकर को आप सेट इसमें कर सकते हैं। और क्लिक करेंगे तो फेडर का ऑप्शन मिल जाता है, आगे के स्पीकर पीछे के स्पीकर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर, और उसके बाद में आपको इक्वलाइजर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इक्वलाइजर के अंदर आपको पॉप मिल रहा है, रॉक, जैज, क्लासिक, फ्लैट, और इसके अंदर जो है तो क्लासिक वगैरह इस तरीके से आपको इक्वलाइजर मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए स्पीकर लाउड और ऑन और ऑफ़ है, यानी लाउड स्पीकर आप कर सकते हैं ऑन ऑफ के अंदर। वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर और रॉक, ये अपने जो इक्वलाइजर है, ऑन ऑफ स्पीकर है, इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर जो मेन रिंग बटन है इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से अब मैं इसके ये बटन भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव लगा देते हैं। हम इस पेन ड्राइव के अंदर MP3 सॉन्ग है तो मैं ये इसमें लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर लोड हो रहा है, USB आ गया है, हमारा USB पेन ड्राइव यहाँ पर लग गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सॉन्ग को आगे जा रहे हैं सॉन्ग, मैं इसको बैक कर रहा हूँ, सॉन्ग पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए क्लॉक आ गई हमारी। उसके बाद में बैंड यहाँ से FM के बैंड वगैरह हम यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं, या ID 3 आ रहा है तो ये FM से रिलेटेड। उसके बाद सॉन्ग को म्यूट यहाँ से कर सकते हैं हम, कलर वगैरह चेंज करके हमने देख लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मोड दिख रहा है तो मोड पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए ऑक्स का मोड है। उसके बाद में ये ब्लूटूथ मोड के ऊपर चला गया, उसके बाद देखिए तो रेडियो मोड के ऊपर आ गया है, और ये लाउड स्पीकर USB जो अभी हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सॉन्ग हम आगे करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये -10 कर रहा हूँ मैं, तो 51, 41 ये सॉन्ग हो रहे हैं, 31। मेरे को अगर +10 करना है तो इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पर 31 से 41 वगैरह ये हमारे 10 सॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड ये थे एकदम सिंपल से इसके अंदर जो सारे फंक्शन हैं, और देखने के अंदर अगर आप स्क्रीन देखें तो आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर DJ के डिस्क नज़र आ रहे हैं और बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए कलर भी आप यहाँ से सब इसके चेंज कर सकते हैं, 7 कलर आपके कार के इंटीरियर के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हमको इसको शुरू करने के बाद मिल जाते हैं, और बहुत ही स्मूथ बटन है, बहुत ही इजीली आप इस पर वर्क कर सकते हैं। चलिए मैं इसके एक बार लाइट बंद करके आपको दिखा देता हूँ, इसका लुक कैसे आ रहा है अंधेरे के अंदर वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अंधेरे में दिखता है, कलर हम चेंज करते हैं तो देखिए इसका लुक। पूरी लाइट्स हमने बंद कर दिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो USB पोर्ट है इसके अंदर भी लाइट्स यहाँ पर देखे, पेन ड्राइव के अंदर भी आपको दिख रहा है, एक रिंग है इसके अंदर भी लाइट, तो बहुत ही अच्छा ये लगता है, इसका लुक वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो फ्रेंड लगभग हमने इसके सारे फंक्शन देख लिए। तो फ्रेंड्स हमने इसको लाइट बंद करके भी देख लिया, काफ़ी खूबसूरत ये नज़र आ रहा था। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, कम प्राइस में आपको मिल रहा है, DD स्टेरियो है, आपकी कार के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अमेज़ॉन वगैरह पर भी जाकर इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ज़बरदस्त है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, इसके सारे सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे इस स्टेरियो के। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।